नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो की आकस्मिक निधन के पश्चात उनके पैतृक आवास बैतकरो में अंतिम दर्शन को लेकर बिहार राज्यसभा सांसद खीरो महतो, विधायक जेपी पटेल, मंत्री बेबी के पुत्र राजू महतो, तेलो मध्य मुखिया युगल महतो, समाज सेवी लखन महतो, भाजपा नेता मेघन महतो, समाज सेवी लखन महतो ने कहा कि पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय लालचंद महतो गरीबों के मसीहा थे। वे अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कई हितकारी कार्य किए हैं। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने का कार्य किया था। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र से कई नेता को बनाने का कार्य भी किए थे। उन्होंने कहा कि लालचंद महतो मेरे राजनीतिक गुरु थे। आज हम जो कुछ भी हैं राजनीतिक क्षेत्र में उन्हीं की देन है। उनके असमय चले जाने से पूरे राज्य में क्षति हुई है। इनकी जगह की भरपाई कर पाना असंभव है, लेकिन इनके बताए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम जन पहुंचे। माननीय लालचंद महतो जी झारखंड राज्य का एक अनुभवी और बहुत ही जुझारू नेता थे। खास करके हमारे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमारा राजनीतिक गुरु वही रहे हैं। झारखंड राज्य का तो जो क्षति हुआ है उसका भरपाई करना आज के तारीख पे नामुमकिन है। लालचंद जी जिस तरह से उनकी साहसिक कदम अपने कार्यकाल में जो जो चीज़ उन्होंने किया था वो आज भी अविस्मरणीय है, और झारखंड के इतिहास में ये लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक यहाँ की जनता, आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को याद रखेगी। लालचंद जी का निधन सचमुच में बहुत दुखदाई है। मैं पर्सनली इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाऊँगा कि आखिर उनका निधन हमारे लिए कितना क्षति हुआ और झारखंड राज्य के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई। डुमरी से 3 बार वो विधायक रहे, उनका कार्यकाल कैसा था उस समय? देखिए, ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो लालचंद जी ने जो कार्य किया है अपने कार्यकाल के समय में वो बहुत ही यादगार है। एक एक काम उनका, जब उनका फर्स्ट बार में जब वो चुनाव जीते थे उस समय हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। उस समय की कार्यावधि के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन झारखंड अलग होने के समय में जो उनका कार्यकाल था, खास करके बिजली के क्षेत्र में, जिस समय में डुमरी विधानसभा में बिजली के लिए उत्तरसा करते थे, उनका इतना बड़ा उनका ये योगदान है, उनका एक भूमिका रहा पूरे डुमरी विधानसभा को विद्युतीकरण करने में। ये हम लोग भी रांची में भी उनकी इस क्षमता को देखे हैं कि बिहड़ से बिहड़ इलाके, जैसे कि ऊपर घाट ना डुमरी के उत्तराखंड के तरफ, जहां बिजली कभी लोगों ने देखा नहीं था, सारे पदाधिकारियों को बुला करके उन्होंने हर सेक्टर पे बिजली पहुँचाने का काम किया है। तो ये सब चीज़ें उनके विकास का गाथा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ या हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो बुनियाद रखे थे अपने कार्यकाल में, और उनका प्रतिफल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है।